भागलपुर डीआरसीसी भवन परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को विधिक सेवा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर भागलपुर में आयोजित किए गए इस जागरूकता शिविर में चयनित दिव्यांगजनों और जरूरतमंदों को विकलांगता प्रमाण पत्र, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया, जबकि बच्चों से जुड़ी योजनाओं के साथ पॉवर्टी एलिमिनेशन से जुड़ी योजनाओं के लाभुकों को भी इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रमाण पत्र और राशि का वितरण किया गया। इस दौरान प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फिरोज अकरम, डालसा सचिव उमेश प्रसाद, एडीएम विकास कुमार कर्ण समेत न्यायिक पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों ने सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत 1024 परिवारों के लिए सामुदायिक निधि के तहत 2,48,19,000 रुपए का चेक सौंपा। इससे पूर्व सभी पदाधिकारियों और न्यायिक पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांग विवाह योजना एवं अंतरजातीय विवाह योजना के तहत 1,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 50,000 रुपए, दाह संस्कार प्रोत्साहन योजना के तहत 2,50,000 की राशि चेक का वितरण किया गया। साथ ही छात्र क्रेडिट कार्ड और ई श्रम कार्ड योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की ओर से एक स्पेशल स्टॉल लगाया गया, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को सरकार की ओर से मिलने वाले सभी प्रकार की विधिक सेवाएं, नेशनल लोक अदालत एवं बिहार पीड़ित प्राधिकर अधिनियम के तहत मिलने वाली सहयोग राशि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। शिविर में भागलपुर जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाले दर्जनों विभाग के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, किलकारी, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, कृषि एवं पशुपालन विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, कल्याण विभाग, ICDS भागलपुर, आपूर्ति, स्वास्थ्य, जीविका दीदी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बाल विकास परियोजना शिक्षा विभाग और DRCC भागलपुर का स्टॉल शामिल रहा। भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में शनिवार को आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों के बीच निशुल्क सहायता उपकरण का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल ने एडिप योजना के तहत 439 ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर समेत कई उपकरण का वितरण किया। इधर सामाजिक अधिकारिक शिविर में काफी संख्या में दिव्यांगजन और परिजन शामिल हुए और अपनी जरूरत के उपकरण प्राप्त कर काफी खुश दिखाई दिए, जबकि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी दिव्यांगता के कारण उपकरण के लिए विभाग के अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें रखी। वहीं सांसद अजय कुमार मंडल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए उपकरण वितरण शिविर लगवाया गया है और जिस दिव्यांगों को अब तक उपकरण नहीं मिला है उन्हें भी आने वाले दिनों में प्रयास कर उपकरण मुहैया कराया जाएगा। मौके पर प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, पूर्व विधायक अमन पासवान, रामविलास पासवान, मुखिया संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष झुम्पा सिंह, जिला परिषद सदस्य सोनी देवी और वरुण गोस्वामी सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार का योजना था जो 1995 से शुरू है, ये योजना भारत में 21 में इनका नामकरण बदल दिया गया था। तो इस बार हम जनता के बीच, दिव्यांग भाई बहनों के बीच इस योजना का लाभ ला करके भारत सरकार से जी व्यवस्था से आज अप्रैल महीने में सभा का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अनाउंसमेंट पूरे क्षेत्र में कराया था। उनमें जो दिव्यांग भाई बहन आए उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके सामान के लिए मैंने दौड़ धूप करके सरकार से एल्को कंपनी के द्वारा यहां लाया गया, जो आज वितरण हो रहा है जिनका नहीं हुआ है। फिर मैं दिव्यांग भाई बहनों के लिए सरकार से मिलकर रजिस्ट्रेशन का समय ले करके फिर मैं एक बार रजिस्ट्रेशन कराऊँगा, जिनको नहीं मिला मैं उनको भी दिलाऊँगा। भागलपुर के ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी फॉक्सी की ओर से एक निजी होटल में आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कई विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अपनी बातें रखी गई, जहां महिला शिशु मृत्यु दर में कमी आने के साथ क्रिटिकल केयर को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान डॉक्टर वेदानंद झा, डॉक्टर माधुरी पटेल, डॉक्टर अल्पेश गांधी, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा और डॉक्टर ममता वर्मा समेत कई डॉक्टरों ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्त्री चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अनुभवों इलाज की पद्धति को साझा किया। वहीं पॉक्सी द्वारा आयोजित इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और महिलाओं को होने वाली बीमारियों के इलाज की नई तकनीक एवं शोध विषयों पर डॉक्टर
डॉक्टरों ने अपनी बातें रखी। साथ ही पॉक्सी भागलपुर की ओर से सभी अतिथि चिकित्सकों को एप्रिसिएशन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जबकि देश विदेश से जुड़े डॉक्टरों ने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होने की बात कही। मौके पर डॉक्टर एस राय, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर कविता वर्णमाल, डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत काफी संख्या में महिला चिकित्सक मौजूद रहीं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार चौबीस हबीब अकादमी। भागलपुर उपश्रम आयुक्त कार्यालय प्रांगण में शनिवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रम अधिकार दिवस के रूप में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ. चक्रपाणि हिमांशु, उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, उपश्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त और श्रम अधीक्षक समेत श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान भागलपुर जिले के 242 पंचायतों से चयनित श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जबकि योजना से संबंधित नियमों एवं आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित बुकलेट का भी वितरण किया गया। वहीं निबंधित निर्माण श्रमिक दशरथ मांझी को उनकी पुत्री के विवाह के उपरांत 50,000 रुपए की राशि का सांकेतिक चेक आयोग के पदाधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया। मृतक मनीष कुमार के आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 13,89,710 रुपए का चेक भुगतान किया गया। कार्यशाला में कई निर्माण श्रमिकों को निबंधन प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया, जबकि सभी 242 श्रमिकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण के बाद सरकार द्वारा निर्धारित एक दिन की मजदूरी एवं यात्रा भत्ता का भी भुगतान किया गया। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर गोकुलधाम मंदिर परिसर में स्थित राधा कृष्ण की मूर्ति कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बीती रात तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दी गई, जिससे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से आक्रोशित लोगों को शांत कराया। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी और सिटी DSP एवं कई थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शांति समिति के सदस्य के साथ बैठक कर लोगों को शांति बरतने की बात कही। बता दें कि मंदिर के समीप पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जबकि पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस दोषियों का पता लगाने के साथ मामले की छानबीन कर रही है।